Hello guys, this is BP Singh and you are watching our YouTube channel. Nowadays we are studying a poem, Character of a Happy Life. And in this video, I'm going to start fifth stanza of this poem. The poem is Character of a Happy Life. It's a poem of Sir Henry Wotton. Let's see. Stanza fifth. Who God doth late and early pray more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who जो God does late and early pray, वह जो भगवान की late evening early morning pray प्रार्थना करता है, जो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देन गिफ्ट टू लेंड, न कि किसी भौतिक वस्तु की मांग के लिए, किसी भौतिक वस्तु की पूर्ति के लिए नहीं, जब बल्कि किसके लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के, ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सुबह शाम भगवान की पूजा करता है। अर्थात एक व्यक्ति को जो अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, उसे सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। किस लिए? किसी वस्तु, किसी फिजिकल थिंग्स के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। Who entertains the harmless day? The harmless day with a well-chosen book or friend, जो अपना पूरा का पूरा समय बर्बाद नहीं करता है, वो अपना पूरा समय बर्बाद नहीं करता है अपने मनोरंजन के लिए, क्या करता है विद, अपना मनोरंजन वो करता है किनके साथ, अच्छी पुस्तकों और अच्छे मित्रों के साथ समय व्यतीत करके वह अपना पूरा का पूरा समय व्यतीत करता है, अपने समय का उपयोग करता है, अपना मनोरंजन करता है। ये तो हुआ इस स्टैंजा का शाब्दिक अर्थ भाव, रेफरेंस सेम होगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। In the given lines, the poet describes that a happy man as a true devotee of God. In the given lines, the poet describes a happy man, सही है, describes a happy man as a true devotee of God. In पंक्तियों में कवि ने किसको, कवि ने कहा है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त होता है। और एक लाइन बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो, तथा वह अपना समय अच्छी पुस्तकों तथा अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही का शिष्याइन विद गुड बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स, ऐसा कर सकते हो आप। एक्सप्लेन करते हैं। द पोएट से दैट, कवि कहता है कि इन ऑर्डर टू लेंड अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए, अ मैन शुड, एक व्यक्ति को चाहिए, प्रे टू गॉड एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, प्रत्येक व्यक्ति को सुबह शाम भगवान की पूजा करनी चाहिए। ही शुड डू सो नॉट टू सीक वर्डली थिंग्स, उसे ऐसा कोई सांसारिक, कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए, बट टू ऑब्टेन गॉड ब्लेसिंग एंड मर्सी, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की दया अपने ऊपर बनाए रखने के लिए उसे पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि किसी भौतिक वस्तु के लिए, मुझे रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि अपना उसका भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उसकी दया प्राप्त करने के लिए। ही शुड नॉट हार्म एनीबडी एनी टाइम ड्यूरिंग द होल डे, वह पूरे दिन में न तो किसी को परेशान करता है, दिन भर वह किसी को नहीं परेशान करता है, पूरे संपूर्ण दिन में वह किसी को परेशान नहीं करता, क्या करता है, इंस्टेड, इसके बजाय ही शुड इंडल्ज इन एंटरटेनिंग हिमसेल्फ बाई पासिंग हिम
his time by reading good books or in the company of a good friend. ऐसा नहीं करता, वो अपना समय पूरा का पूरा समय बर्बाद नहीं करता है, इसके बजाय वह अपना समय लगाता है मनोरंजन में himself by passing his time by reading good books, अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके और in the company of good friends, अथवा अच्छे मित्रों के साथ समय व्यतीत करके वह अपना पूरा का पूरा समय अपने आप को लगा देता है, समय निकालता है और अपना मनोरंजन करता है. सच ए मैन कैन लीड हैप्पी लाइफ, इस तरह के व्यक्ति एक सफल जीवन, खुशहाल जीवन, खुशमय और प्रसन्नचित जीवन व्यतीत करते हैं, कर सकते हैं. ऐसा कवि कह रहा है. कवि कह रहा है कि हमें भगवान की सुबह शाम पूजा अर्चना इसलिए करनी चाहिए जिससे उसका आशीर्वाद, उसकी दया हम पर बनी रहे, उसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे. यह कि नहीं, इसलिए नहीं कि भगवान हमको रुपया पैसा धन दौलत कोई फिजिकल थिंग्स दें, इसके लिए नहीं. इसके अलावा हमें अपना समय इधर उधर नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमें अपना समय अच्छी पुस्तकों तथा अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करना चाहिए, हमको ज्ञान भी मिलेगा, हमारा मनोरंजन भी होगा. तो ये रही आपकी 50 स्टेंजा, 60 लास्ट स्टेंजा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. एक बार जो है फिर से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियोज आपको प्राप्त होते रहें. थैंक यू.